आज का हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। सबसे पहले रदरफोर्ड और सोडी ने ये चीज ऑब्जर्व की थी, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन को किसने खोजा था? रदरफोर्ड एंड सोडी ने खोजा था। इन्होंने बताया कि जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है, ये इनकी किसी भी जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है उसकी फिजिकल और जो केमिकल कंडीशन होती है, इनसे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इनसे इंडिपेंडेंट होता है। मतलब किसी जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसका डिसइंटीग्रेशन उसकी फिजिकल और केमिकल कंडीशन पर निर्भर नहीं करता, उसके भौतिक और रासायनिक गुणों पर निर्भर नहीं करता। भौतिक गुण कैसे से ताप और दाब के द्वारा यह प्रभावित नहीं होता, और केमिकल कंडीशन यानी उस एटम ने या उस एलिमेंट ने दूसरे जो एटम या एलिमेंट से अगर कोई रिएक्शन करके कोई केमिकल कंपाउंड बनाया हुआ है तो उसका रेडियो एक्टिविटी के जो रेट है, जिसे डिसइंटीग्रेशन है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रदरफोर्ड और सोडी ने एक नियम दिया था, इसके अनुसार था कि नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दिस इंस्टेंस। यानी किसी यूनिट टाइम के अंदर डिसइंटीग्रेशन की मात्रा उस समय रेडियो एक्टिव एटम्स की उपस्थित रेडियो एक्टिव एटम की संख्या के डायरेक्ट के समानुपाती होता है, के प्रोपोर्शनल होता है। यानी किसी समय रेडियो एक्टिविटी की दर डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड यूनिट टाइम में उस समय उपस्थित रेडियो एक्टिव मटेरियल की संख्या के समानुपाती होता है। यहाँ पे एन ग्राफ लें, एन क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम प्रेजेंट एट दिस इंस्टेंस। अगर हम एन को किसी समय उपस्थित रेडियो एक्टिव एटम्स की संख्या से लें तो डीटी टाइम में पर यूनिट टाइम डीटी टाइम में डीएन एटम डिसइंटीग्रेट होंगे। कितने इंटीग्रेट होंगे डीटी टाइम? अगर किसी समय उपस्थित रेडियो एक्टिव एटम की संख्या एन है तो डीटी टाइम में डीएन एटम डिसइंटीग्रेट या विघटित हो जाएंगे। तो इस नियम के अनुसार क्या होगा, माइनस डीएन अपॉन डीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एन। माइनस डीएन अपॉन डीटी यानी डीटी समय में डीएन एटम क्या होंगे, डिसइंटीग्रेट होंगे। और ये किस पर, ये डिसइंटीग्रेशन ये किस पर निर्भर करेगा, उस समय उपस्थित रेडियो एक्टिव मटेरियल या एटम है उनकी संख्या पर निर्भर करेगा। माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है यहां पर कि जो रेडियो एक्टिव एटम्स है उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, वो उनकी संख्या कम हो रही है, धीरे धीरे वो घट रहे हैं। तो इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, dn upon dt is directly proportional lambda n। ये हमने क्या कर दिया यहाँ पे, डायरेक्ट इसको प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हमने कॉन्स्टेंट जोड़ दिया। लेमडा क्या कहलाता है, लेमडा डीके कॉन्स्टेंट कहलाता है, ये डीके कॉन्स्टेंट कहलाता है, या इसे हम रेडियो एक्टिव कॉन्स्टेंट भी कह देते हैं, या इसे क्या कह देते हैं, डीके कॉन्स्टेंट, रेडियो कॉन्स्टेंट भी कह देते हैं। ये डीके कॉन्स्टेंट किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी विशेष अभिलाक्षण गुण होता है हर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के लिए, हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए। ये लेमडा क्या होता है, अलग अलग होता है, जिसे हम डीके कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। इसकी यूनिट सेकेंड इनवर्स होती है, यानी वन अपॉन सेकेंड इसकी यूनिट होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ऑफ ईच रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, यह हर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के लिए अलग अलग होता है, उसका अभिलाक्षणिक गुण होता है। हर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो चाहे वो किसी भी फिजिकल या केमिकल कंडीशन में हो उसके लिए लेमडा का वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और दो अलग अलग रेडियो न्यूक्लियाई के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा जब उनकी विशेषता होगी। अगर हम इस इक्वेशन का अगर इंटीग्रेशन करें, इसका हम समाकलन करें, तो उससे जो इक्वेशन बनेगी वो होगी n इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लेमडा t।
यहां पर एन तो किसी इंस्टेंट पर उपस्थित जो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हो गए, एन जीरो क्या हो गए इनिशियल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, यानी जो शुरुआत में हमने जो रेडियो एक्टिव जो एटम लिए थे, रेडियो एक्टिव जो एटम सबसे पहले शुरुआत में जितने लिए थे वो क्या हो गए एन जीरो के लाइने। लेमडा क्या हो गया, लेमडा मैंने बता दिया यहां पे डीके कांस्टेंट हो गया, टी क्या हो जाएगा टी टाइम हो जाएगा जिस टाइम में लिया गया, ई क्या हो जाएगा नेचुरल बेस ऑफ लॉगरिथम, ये लॉगरिथम का नेचुरल बेस कहलाता है, इसकी वैल्यू होती है 2.719, ये दो से तीन के बीच में इसकी वैल्यू होती है, ये जो लॉग है लॉग का नेचुरल आधार प्राकृतिक आधार है वो कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये इसके डिसइंटीग्रेशन से हमारे पास इक्वेशन आ गई है जिसके द्वारा हम डीके कांस्टेंट नंबर ऑफ एटम एट इंस्टेंट अगर हम उनको भी इस इक्वेशन से हम पता कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आती है हाफ लाइफ, उसे भी देख लेते हैं। हाफ लाइफ किसी रेडियो एक्टिव एटम वो समय जिसमें कोई रेडियो एक्टिव एटम अपने मूल से आधा रह जाए वो क्या कहलाएगा हाफ लाइफ कहलाएगा। मान लो यहां पे 100 रेडियो एक्टिव एटम है, यहां कहते हैं 100 और टी समय बाद ये रेडियो एक्टिव एटम कितने रह जाते हैं 50 रह जाते हैं, बाकी 50 का क्या हो जाएगा डिसइंटीग्रेशन या विघटन हो जाएगा। तो इस समय जो टी होगा टाइम होगा वो क्या कहलाएगा टी हाफ, यानी ये वो समय जिसमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया या रेडियो एक्टिव एटम अपने मूल से आधे रह जाते हैं, उनकी संख्या आधी हो जाती है, इस समय को हम क्या कहते हैं टी हाफ कहते हैं। तो टी हाफ की कंडीशन के अंदर क्या होगा एन इस इक्वेशन से देखें तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे इसी उस समय जो मूल जितने थे उसके आधे हो जाएंगे, इस समय जो टी होगा उस टी को हम ले लेते हैं टी हाफ से, इस समय की जो टी होगा उसको हम क्या लेते हैं टी हाफ, यानी ये वो समय जिसमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर की संख्या क्या हो जाएगी प्रारंभ से हाफ या आधी हो जाएगी। तो दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे तो एन की वैल्यू क्या होगी एन जीरो अपॉन टू इजिकल टू एन जीरो ई की पावर माइनस लेमडा और टी ये हाफ, ये हो गया ओके। चलो ये इससे कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया वन अपॉन टू ई की पावर माइनस लेमडा टी हाफ हो गया ओके, ये माइनस में है तो ये नीचे आ जाएगा वन अपॉन टू इजिकल टू वन अपॉन ई की पावर नीचे आते ये क्या हो जाएगा ये पावर माइनस में ये प्लस में होगी ठीक है, इसको इधर ले आओ इसको इधर ले आओ इससे क्या हो जाएगा e की पावर लेमडा टी हाफ इजिकल टू टू ओके। हम क्या करते हैं दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, लॉग आधार e की पावर लेमडा टी हाफ इजिकल टू क्या हो जाएगा लॉग आधार e टू, आधार e है और ये e है तो इससे क्या हो जाएगा ये क्या होगा ये पावर क्या हो जाएगी पहले आगे आ जाएगी लेमडा टी हाफ लॉग आधार ई इजिकल टू क्या हो जाएगा लॉग आधार ई टू, इसकी वैल्यू क्या होती है इसकी वैल्यू वन होती है तो ये क्या हो जाएगा लेमडा टी हाफ इजिकल टू और लॉग आधार ई दो की वैल्यू होती है 6.0.693 तो ये क्या इक्वेशन होगी लेमडा इससे क्या हो जाएगा लेमडा टी हाफ इजिकल टू 0.693, इस लेमडा को नीचे ले जाओ टी हाफ इजिकल टू 0.693 अपॉन लेमडा। तो किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का टी हाफ या अर्ध आयुकाल किस पर निर्भर करता है उसके डीके कांस्टेंट पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है उसके डीके कांस्टेंट पर निर्भर करता है और उसके डीके कांस्टेंट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या होता है उसके डीके कांस्टेंट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये एक अर्ध आयुकाल है एक हाफ लाइफ है जो रेडियो एक्टिव मेटेरियल की है जो उसके डीके कांस्टेंट पर निर्भर करती है। चलो तो मैं कुछ अलग अलग रेडियो एक्टिव मेटेरियल है उनकी टी हाफ या हाफ लाइफ या हाफ पीरियड भी आपको बता देता हूं, जिसमें सबसे पहले है रेडियम 226। रेडियम 226 की हाफ लाइफ होती है 1622 ईयर, कितनी होती है 1622 साल, यानी अगर एक किलोग्राम रेडियम 226 लेंगे तो 1622 साल बाद में कितना बचेगा हाफ, इसके रेडियो एक्टिव एटम कितने बचेंगे हाफ यानी 500 ग्राम इसके
बच जाएंगे। इसके बाद में कोवाड 16 जो हम रेडियोथेरेपी के अंदर काम में लेते हैं, टेलीथेरेपी के रूप में काम में लेते हैं, उसकी टी हाफ कितनी होती है 6.26 ईयर, इसकी टी हाफ होती है। इसके अलावा सीजियम 137 इसकी टी हाफ या हाफ लाइफ 30 ईयर होती है, इसकी टी हाफ आप लग कितनी होती है 30 ईयर होती है। इरिडियम 192 इसकी टी हाफ कितनी होती है, इसकी टी हाफ 73.8 दिन होती है, कितनी होती है 73.8 दिन होती है। इसके अलावा आयोडीन 131 इसकी टी हाफ 8.04 डेज होती है, 8.04 डेज होती है। इसके बाद F18 आपको पता है फ्लोरीन 18 फ्लोरीन का होता है, ये जो आपके पेट सिटी होती है उसके अंदर पॉजिट्रॉन इमिटर की तरह से बिहेव करता है, किसकी तरह बिहेव करता है पॉजिट्रॉन इमिटर की तरह से। इसकी टी हाफ कुछ मिनटों में होती है 110 मिनट होती है। इसके अलावा टेक्नीशियम 99M ये टेस्ट एबल फॉर्म होती है, इसकी टी हाफ कितनी होती है 6 आवर की होती है। तो ये कुछ रेडियो एक्टिव मेटेरियल है और उनकी टी हाफ है जो रेडियोलॉजी के अंदर या रेडियोथेरेपी के अंदर बेसिकली काम में आते हैं। रेडियम हो गया आपको पता है, क्वार्ट्ज 60 तो टेलीथेरेपी के अंदर काम में आता है, सीजियम 137 भी काम में आता है, इरिडियम 192 ये पता आपको ब्रेकिथेरेपी सोर्स ग्रुप में काम आता है, आयोडीन 131 ये क्या होता है न्यूक्लियर मेडिसिन के वगैरह के थायराइड अपटेक सिस्टम वगैरह में काम आता है, F18 ये 10 मिनट इसका होता है, ये पेट सिटी के अंदर जो पेट स्कैन करते हैं उसके पेट स्कैन के अंदर काम में आता है, FDG फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज के जो केमिकल होते हैं उसके रूप में। टेक्नीशियम 99 इसकी टी आप कितनी होती है 6 आवर होती है। इसके अलावा एक और चीज है टी एवरेज, ये क्या होता है टी एवरेज या मीन हाफ मीन जो एवरेज टाइम होता है वो क्या होता है, किसी जो टी एवरेज बोलते हैं उसके टी मीन भी बोलते हैं, ये क्या होता है किसी रेडियो एक्टिव मेटेरियल है उसका डिसइंटीग्रेशन का एवरेज टाइम क्या होता है। तो ये टर्म भी होती है, ये क्या होता है टी एवरेज इज इक्वल टू 1.44 टी हाफ, यानी टी हाफ का 1.44 जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या कहलाता है टी एवरेज टाइम। इस टाइम के अंदर वो रेडियो एक्टिव मेटीरियल एक एवरेज रूप से डिसइंटीग्रेट होता है। तो ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का टॉपिक कंप्लीट है।